हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी हम डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम बोल जाते हैं और वो हिंदी में बोल जाते हैं या फिर हमारे नेटिव लैंग्वेज में बोल जाते हैं। सो उसी सेंटेंसेस को जैसे हम मुहावरा कहते हैं, सो उसी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे छोटी छोटी बातों में हम काफ़ी भड़क जाते हैं। कभी हम कुछ काम कर रहे हैं एंड समबडी कम्स एंड डिस्टर्ब्स अस इन बिटवीन, सो एक्चुअली वी लूज आउट, राइट? हम भड़क जाते हैं। सो भड़कना को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लैश आउट। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से आई लैश्ड आउट ऑन हिम सो बैडली टुडे। सो भड़कना को हम कहेंगे लैश आउट। सो अब से आप भड़कना यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है लैश आउट। तो हमारा दूसरा वर्ड होगा भुक्कड़। बहुत बार सुना होगा ना अपने ये वर्ड। मैं जब कॉलेज में थी, हमारा एक फ्रेंड सर्कल हुआ करता था, राइट? मेरे एक फ्रेंड सर्कल में बहुत ही एक भुक्कड़ लड़की थी। हम उसे हमेशा भुक्कड़ भुक्कड़ करके चिढ़ाते थे। भुक्कड़ को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ग्लटन। फॉर एन एग्जाम्पल, आप उसे कैसे बोल सकते हैं? माई फ्रेंड इज सच अ ग्लटन। सो हमारा दूसरा वर्ड होगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये तो आपने सुना ही होगा काफी बारी, है ना? सो नाच न जाने आंगन टेढ़ा को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे अ पुअर वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। दैट मीन्स अ पुअर वर्कर ब्लेम्स हिज टूल्स। सो अब से आप ये सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरीके से आप यूज कीजिएगा। काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारा किसी ना किसी से मन मुटाव हो जाता है। कोई ना कोई चीजों को हम अपने मन में रख के उसे मन मुटाव करके रख लेते हैं। सो वो मन मुटाव को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट होल्ड ग्रजेस। सो हाउ शुड वी से दैट? डोंट होल्ड ग्रजेस। सो अब से आप मन मुटाव को इंग्लिश में कहिएगा, डोंट होल्ड ग्रजेस। आई एम श्योर आपने ये वर्ड तो काफी बारी सुनी होगी। कहना आसान है बट करना बहुत मुश्किल, है ना? अब कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सिंपल। इट्स easier said than done। काफी टाइम ऐसा होता है कि बहुत आसान होती है किसी को भी कुछ भी ज्ञान बांट देना, किसी तरह की एडवाइस दे देना, राइट? सो हम वैसे सिचुएशन में क्या बोलते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, है ना? सो अब एक हाथ से ताली नहीं बजती को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट टेक्स टू टू क्वारल। सो अब से हम इसे इंग्लिश में कहेंगे, इट टेक्स टू टू क्वारल। बहुत बारी क्या होता है कि हम दूसरों की लाइफ को देख कर बहुत सी चीज़ों को हम अपने लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि हाउ लकी ही और शी इज, मीन्स कितनी आसानी से उसको सब सारी चीजें मिल गई। बट हमेशा ये याद रखिए, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। सो आप दूर के ढोल सुहावने लगते हैं को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कुछ इस तरीके से, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड। ओके, सो ये तो थे मेरे कुछ सेंटेंसेस जो आप डेली यूज में आप इंग्लिश में किस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसे आप कहते रहिए तो ये आपकी जुबान पर, आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। सो मेरे साथ बने रहिए इस तरीके सेंटेंसेस सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।